खबर गुरुग्राम से है, जहां पर कि कोरोना के संदिग्ध मरीज का अस्पताल से लापता होने का मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले मलेशिया से ये युवती लौटी थी। आशंका के चलते आइसोलेशन वार्ड में इसे भर्ती करवाया गया था। रविवार सुबह से संदिग्ध मरीज लापता है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। कोरोना वायरस जो कि एक संक्रमण की बीमारी है, बार बार सरकार की तरफ से और साथ ही राज्य सरकारों की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को सचेत किया जा रहा है, एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। कोरोना एक ऐसा वायरस है जो कि विदेशों में फैला, सबसे पहले चीन में फैला और उसके बाद 122 देशों को अपनी चपेट में ले लिया और वहां से आने वाले किसी भी शख्स में कोरोना के जीवाणु हो सकते हैं, विषाणु हो सकते हैं और ऐसे लोगों के संपर्क में आने से दूसरे लोगों तक ये बीमारी फैल सकती है। इसीलिए विदेशों से आने वाले लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता आलोक उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक, एक युवती गायब बताई जा रही है और कोरोना वायरस की संदिग्ध है, फिलहाल क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से युवती बताई जा रही है वो कोरोना के संदिग्ध व्यक्ति को गुरुग्राम के हालांकि सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया था, लेकिन बताया जा रहा है, सूत्र जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि महिला है, यहाँ से अचानक चली गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि जो आइसोलेशन वार्ड में इतनी खास चौकसी बरती जाती है, वहां से महिला अचानक चली जाती है और किसी को भनक चोट नहीं लगी है, तो कहीं ना कहीं ये जो है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस तरह की जो लापरवाही बरती गई है, जिस तरह से महिला यहाँ से चली गई है उसकी कोई खोज खबर नहीं दी जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य विभाग है वो इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारे जो हॉस्पिटल के सूत्र है वो साफ तौर से यही बता रहे हैं कि हालांकि महिला को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिल पाई थी। जी, तो अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि महिला को तलाशा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना की संदिग्ध मरीज लापता हो गई है और हैरानी की बात यह है कि विदेशों से आने वाले लोगों को आइसोलेशन वार्ड में इसीलिए रखा जा रहा है ताकि वो अन्य लोगों के संपर्क में ना आए, कोरोना जैसी भयंकर बीमारी को देश में फैलने से रोका जा सके। ऐसे में विदेश से आने वाले लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस बीमारी को इस देश में ना फैलने दें, आइसोलेशन वार्ड में रहें। लेकिन लोगों की तरफ से जिस तरह से कोताही बरती जा रही है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों पर लोग पलीता लगाने पर तुले हैं, क्योंकि एक महिला है, एक युवती है जो कि आइसोलेशन वार्ड से गायब हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने चुप्पी साधी है, महिला की तलाशी की जा रही है।